पूरे हिंदुस्तान में एक बीड़ी वर्कर है, मजदूर है, जिसके कमाई का पैसा इस हिंदुस्तान गवर्नमेंट को सबसे बेसी मुनाफा होता है और जीएसटी के माध्यम से सबसे बेसी कर सूखे पत्ते पर लगाए गए हैं, बिक्री पर टैक्स लगाए गए हैं, जिससे लाखों मजदूर और उनके परिवार के करोड़ों बच्चे बदहाल और परेशान हैं। जिस सवाल को लेकर के हम आए हैं कि जीएसटी बीड़ी सूखा पत्ता पर टैक्स हटाया जाए ताकि करोड़ों इंसान की रोजी रोटी का सवाल जो है वो दुरुस्त ढंग से चल सके। हिंदुस्तान में सबसे बेसी मेहनत करने वाला, सबसे खतरनाक काम करने वाला बीड़ी का मजदूर। हम लोग काम 12 घंटा करते हैं, बीड़ी बनाते हैं। बीड़ी बनाने के बाद मजदूरी बहुत कम मिलती है, कारण कि सरकार जो टैक्स लगाई है वह बहुत ज़्यादा है और मालिक वह मजदूरी दे नहीं सक करती है। हम लोग 12 घंटा करते हैं तो वही भर दिन में मात्र 62 रुपया और 90 रुपया का कमाई होता है, तो उसमें मजदूर क्या करे। यह सरकार जो मजदूर के लिए हानिकारक साबित हो रही है, मजदूर को शोषण कर रही है, मजदूर के साथ अन्याय कर रही है और मजदूर के मजदूरी बहुत कम मिल रही है, कारण कि वह टैक्स सूखा और पत्ता पर तम्बाकू पर जो लगी है उस कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए वह टैक्स हटाया जाए और मजदूरों का उचित मजदूरी, जो सरकारी न्यूनतम मजदूरी है, वह मिलना चाहिए। यही लेकर हम लोग यह धरना पर आए। हम लोग जरी का काम करते हैं, दिन में 8 घंटा काम करते हैं, घर में ही काम करती हूँ, लाके करवाती हूँ। एक साड़ी बनाने को 1 दिन भी लगता है, एक साड़ी बनाने को 10 दिन भी लगता है, लेकिन अभी 1.5 साल से हमारे पास कोई काम नहीं है, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं घर में। भूखमरी का टाइम आ गया है। एक साड़ी पे हमको 250-250 रुपया मिल जाता है, अगर 10-12 दिन चलती है तो हमें 2-2.5 हज़ार रुपया मिल जाता है, तो जिसमें से माल लगाना पड़ता है, वो जो करते हैं उनको देना पड़ता है, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम एकदम बेकार हो चुके हैं। तभी यहाँ लेके आए और जीएसटी लगाने से हम लोग एकदम काम धंधे से बैठ गए हैं। अब हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। मोदी सरकार को हटना होगा, जीएसटी हटाना होगा। मोदी सरकार ने हम लोग को हरियाली दिखाई और अब सूखे में भी नहीं चलने दे रहा है। बोले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कितने अच्छे दिन आए कि हर जितने जरी वाले सब रो रहे हैं, सब आदमी रो रहा है, सबके ऊपर उसने जीएसटी लगा दी। एक केला वाला भी बोलता है कि हमने जीएसटी लगाया है, मोदी ने जीएसटी लगाया है, तो कैसे हम लोग जिएंगे गरीब आदमी। मतलब मेरे आदमी का फिलहाल जहाँ काम कर रहे थे जॉब, तो वहाँ जब से जीएसटी लगा दी तो वहाँ से इनको काम से निकाल दिए। अभी 12-13 महीना हो गया वो घर में बैठे। काम के लिए आते हैं तो बोलते हैं जीएसटी का मतलब लेटर लाओ, उनका इनकम टैक्स का लाओ, सब प्रूफ मांग रहे, तो कहाँ से मिलेगा। अभी तो हम लोग ने पहले से बना के रखा नहीं कि हमको ये सब निकलने वाला पहले से मालूम था नहीं, और इसने नोटबंदी करके तो और हम लोग को परेशान कर दिया। खाने को हमारे पास पैसा नहीं करके हमको यहाँ पे आना पड़ा लड़ाई करने के लिए, कि हमारे आदमी फिलहाल 12-13 महीना होगा अभी घर में बैठे कि हमारे पास खर्चे को पैसा नहीं। और पहले कैसा था, जो लेटर अपने पास है बस जाओ जीरोक्स दो तो ताबड़तोक बनके मिलता था, लेकिन इससे जब से करा ना मतलब जीएसटी का, से हमको कुछ पेपर भी नहीं बनके मिला, जॉब भी नहीं मिला। Yeah.